विस्तार से केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में सभी उपभोक्ताओं को 200 रुपए तक की सब्सिडी दी है। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अब उन्हें गैस सिलेंडर पर 400 रुपए की छूट मिलेगी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। आरपीएससी ने दूसरी बार टाइम बढ़ाया है। इससे पहले आरपीएससी ने एग्जाम में सवालों के जवाब में 4 की जगह 5 ऑप्शन कर दिए थे। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एग्जाम के दौरान इन 10 मिनट में कैंडिडेट यह सुनिश्चित करेंगे कि ओएमआर शीट में उन्होंने हर सवाल में आंसर के 5 में से किसी एक ऑप्शन का चयन किया है या नहीं। भरतपुर के कामा क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार दंपति सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में 1 वर्षीय बालिका सकुशल बच गई है। घटना झेजपुरी गांव के पास की है। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर केतवाड़ा पुलिस पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार झेजपुरी गांव के पास कंटेनर और ट्रैक्टर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे के बाद अनियंत्रित होकर कंटेनर ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कंटेनर चालक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हरियाणा के नूह जिले में के गांव सलंबा निवासी तारिफ मेयो अपनी पत्नी, 1 साल की बच्ची और साली के साथ केतवाड़ा लौट रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश मेघवाल के सियासी बयान से गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बताया है। मेघवाल ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। इसको लेकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखूंगा कि इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। कैलाश मेघवाल के इस बयान के पीछे इस बार के विधानसभा चुनाव में शाहपुरा से टिकट काटने की संभावना को महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। इस सियासी बयान के बाद पूरे भीलवाड़ा भाजपा में खलबली सी मच गई। बता दें कि कोठिया गांव में मंसूरी समाज के कार्यक्रम में विधायक कैलाश मेघवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी, जहां यह बयान दिया गया। इस बयान से मेघवाल ने अपनी ही भाजपा पार्टी के बड़े नेता पर सवाल खड़े कर दिए। वो है अर्जुन लाल जी मेघवाल, सुन लो आप सब, सुन के कान खोल के सुनो, ये अर्जुन मेघवाल प्रश्न नंबर 1 है। इसके मुकदमे चल रहे हैं आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये है प्रमाण मेरे जिसके इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। जोधपुर के शेरगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस उपाधीक्षक पद्मदान रत्न के निर्देश पर पुलिस ने मिनी ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान 370 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के साईतरा सरहद में ये कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस की कार्रवाई को देख ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मिनी ट्रक में पशु आहार के कट्टों के नीचे छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। बता दें कि बीते दिनों पुलिस ने भारत माला के पास टर्बो में भरी अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने छात्र संघ चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम कांग्रेस और बीजेपी दोनों का है, क्योंकि इन्हें छात्र संघ चुनाव में हार नजर आ रही थी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आने वाली 14 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल होंगे।
राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। पूर्वी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की 16 अगस्त से धौलपुर से शुरू हुई संकल्प यात्रा का मंगलवार को जयपुर के शहीदी स्मारक पर समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राजस्थान प्रदेश प्रभारी सांसद रामजी गौतम सहित राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा मौजूद रहे। आकाश आनंद ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। और अभी आज ही 35 करोड़ की घोषणा की, कल भी उनका सिस्टम ऐसा है कि पूरा का पूरा आज के दौर में मैं आपको करूं तो इतना कोष तो खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं की जितनी हमारे महुआ के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी ने घोषणा की है। कतई झूठ है, सारे लोग समझ रहे हैं। एक ही रोड की चार चार बार पट्टिकाएं लगा चुके हैं। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता शाहपुरा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अलग ही अंदाज में टिकट मांगा है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से कहा कि वह चुपचाप टिकट भेज दे, मैं जयपुर और दिल्ली नहीं आऊंगा, अपने ही क्षेत्र शाहपुरा में बैठा हूं, अगर यहां टिकट आया तो चुनाव भाजपा से लड़ लूंगा, नहीं तो यहां की जनता जो कहेगी वही आगे करूंगा। मैं जयपुर में भी नहीं आऊंगा, यहां बैठा हूं। मैं आप सबके यहां के नागरिक बंधुओं से कहना चाहता हूं, इस जिले के निर्माण के लिए जिस तरह के लोग आपके सामने आ रहे हैं मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मध्य बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा टिकट भेज दो चुपचाप, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं जयपुर में भी नहीं आऊंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्षेत्र में, क्षेत्र में चित आया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तुम्हारा नहीं आया तो जनता का जो हुक्म होगा वो करूंगा। मैं आप सबके यहाँ के नागरिक बंधुओं से कहना चाहता। राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलवर जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी क्रम में सिल्वर ओक और सिल्वर अक्रोन स्कूल में मंगलवार को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विद्यालय की डायरेक्टर निमिषा राणा और प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लिया। इस दौरान हॉकी और दौड़ सहित अन्य गेम आयोजित हुए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। आज 29th ऑफ अगस्त में सिल्वर ओक स्कूल ने नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया। शुरुआत में सिल्वर अकॉन की कुछ रेसेस कंडक्ट की गई जिसमें नर्सरी की 50 मीटर रेस, केजी और प्रेप की रिले रेस ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद सीनियर क्लासेस 6 टू 12 स्टैंडर्ड का इंटर हाउस हॉकी ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 6 टू 8th बॉयज में फर्स्ट पोजिशन कार्नेशन हाउस एंड सेकेंड पोजिशन क्रिसेंथमम हाउस ने हासिल किया। 9 टू 12th बॉयज में फर्स्ट पोजीशन कॉक्सकॉम हाउस और सेकंड पोजीशन क्रिसेंथमम हाउस ने। प्रदेश भर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2023 से हुआ था। सुमेरपुर, तखतगढ़ नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण किए जा रहे हैं। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी हरीश सिंह देवल ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को तखतगढ़ कस्बे के अम्बेडकर भवन में शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका के स्टाफगण और संतोष कुमार बिलोनिया समेत पार्षदगण और कांग्रेस स्थानीय नेता मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के 3 महीने पहले महिलाओं को फोन देने, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन देने की योजना करीबन प्रदेश भर में 40 लाख मोबाइल वितरण किए जा रहे हैं। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में भी मोबाइल वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित हो चुका है। आज तगड़गढ़ में मोबाइल वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में नगर की महिला मोबाइल लेने के लिए शिविर में आ चुकी है। और हमारे साथ में भाजपा के पार्षद है और कांग्रेस के भी पार्षद है, उनसे बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी की इस योजना के बारे में भाजपा के पार्षद राजेश कुमार उसका क्या कहना है बताइए। ये केवल एक लोक लुभावनी योजना है, सरकार के इलेक्शन के 3 महीने पहले महिलाओं को मोबाइल बांटे जाते हैं। ज्यादातर बात करूँ मेरे वार्ड नंबर 22 की,
22 में 350 परिवार महिलाओं के, उसमें तीन परिवार को मोबाइल देके तो अशोक जी के तीन परिवार को छोड़ के दूसरे जो परिवार है वो टूटने की बात है। केवल सरकारी योजना और केवल इलेक्शन के पहले योजना और केवल लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, पार्षद ने कहा कि चुनाव के तीन महीने पहले सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात जो कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में कांग्रेस के पार्षद है विक्रम जी खटीक है, उनसे बात करेंगे कि इस योजना का लाभ जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को क्या ये सही है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। विपक्ष का काम यही है कि बस हर आरोप लगाना, लेकिन बात ये सत्य है कि आप इस भीड़ को देख लो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने मतलब हर वर्ग को और हर जाति धर्म को सबको जो भी है जो इस योजना से लाभान्वित है उनको हर वो योजना मिल रही है। ये विपक्ष का तो आरोप है, आरोप लगाने में कई है, विपक्ष को भी आरोप लगा सकता है, लेकिन सरकार वापिस रिपीट हो रही है इस योजना के तब पर सरकार रिपीट होने का जो दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का सिर्फ नौटंकी वाला जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं विपक्ष के द्वारा। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मानसिंह जोशी।